आज मनु नॉलेज सीरीज में मैं डॉक्टर अमित राव, स्पेशलिस्ट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, आपको विजडम टूथ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये हमारी जबड़े में आने वाली सबसे आखिरी दांत होता है। ये ऊपर के जबड़े में दो और नीचे के जबड़े में दो दांत रहते हैं। ये हमारे बदन में 14 से 15 साल की उम्र में डेवलप होना शुरू होते हैं और 18 से 25 साल की उम्र में कभी भी आ सकते हैं। जब हमारे जबड़े में पर्याप्त जगह नहीं होती या तो हमारे जबड़ों का पर्याप्त आकार नहीं होता, ये विजडम टूथ पूरी तरह बाहर नहीं आके हड्डी में कहीं फंस जाते हैं और ये अलग अलग एंगल में फंसते हैं, जिसकी वजह से इनके एक समान सबके लिए होना मुश्किल होता है। अक्सर पूछे जाने वाले सवालों में हम लोग ये सुनते हैं कि अकल की दाढ़ को निकाल देना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। अकल की दाढ़ जो टेढ़ी आई है, जिसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, मवाद बन रहा है, उस विजडम टूथ को निकाल देने में ही भलाई है। अकल की दाढ़ जो पूरी तरह आया है और खाने पीने में काम आ रही है, उसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे आखिरी दांत होने के कारण उसके चारों तरफ बहुत हड्डी रहती है और वो दांत बहुत मजबूती से जबड़े में फंसा रहता है। उस दांत को निकालना इतना आसान नहीं होता और उसके लिए एक छोटी सी सर्जिकल प्रोसीजर करके उसको निकालना पड़ता है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि हम लोग एक OPG एक्सरे या डेंटल एक्सरे लेते हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़े तो एक CBCT या तो कोन बीम CT भी कराया जाता है। इससे हमें मालूम चलता है कि विजडम टीथ किस एंगल में है, कैसे उसका पोजीशन है। अगर कभी कभी विजडम टीथ के चारों तरफ दूसरी तकलीफें भी आ सकती हैं, जैसे कि विजडम टूथ के चारों तरफ सिस्ट बनना और उसको ट्यूमर में इन्वॉल्व हो जाना, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग पहले से बता नहीं सकते। अकल की दाढ़ ऐसे ही छोड़ देने के कारण कभी कभी सामने के दांत भी ख़राब होना या उनमें भी कैरीज डेवलप होना और उसके आसपास खाना फंसना, जिसकी वजह से मसूड़ों में भी मवाद बनना और गालों में इन्फेक्शन होना भी हो सकता है। ऐसे में विजडम टूथ को निकाल देने में ही भलाई है। अकल की दाढ़ के चारों तरफ मसूड़ों का फूल जाना, उनमें लालपन आना और वहाँ पे दर्द होना और मसूड़ों को इन्फेक्टेड हो जाना, इस टर्म को हम लोग पेरिकोरोनाइटिस से भी जानते हैं। मसूड़े फूल जाने की वजह से पेशेंट को खाने पीने में भी तकलीफ आती है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी अकल दाढ़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये आप सबको फायदेमंद होगी। थैंक यू।